हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टफ क्लो क्रीम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। टफ क्लो क्रीम का मुख्यतः उपयोग स्किन इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आइए इस क्रीम के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये क्रीम कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस क्रीम के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस क्रीम से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। FDC लिमिटेड कंपनी की ये 30 ग्राम की क्रीम आपको मेडिकल स्टोर पर 66 रुपए में मिल जाएंगी। दोस्तों बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस क्रीम में मौजूद कंटेंट के बारे में। टफ क्लो क्रीम में क्लोबेटासोल प्रोपिनेट IP 0.05% यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद क्लोबेटासोल या एक स्टेरॉइड ड्रग है। यह बॉडी में मौजूद उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो स्किन पर लाली, सूजन और खुजली आने का कारण बनते। बात करते इस क्रीम के यूजर्स के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते। इस क्रीम का मुख्यतः उपयोग स्किन इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। इसे सोरायसिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते। सोरायसिस यह एक स्किन डिसीज है जिसमें त्वचा पर लाल परतदार चटक के दिखाई देते। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते। इसे एक्जिमा की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। एक्जिमा एक प्रकार का स्किन डिजीज है जिसमें स्किन पर जगह जगह पर सूजन, खुजली, दरारे और खुदरापन हो जाता है। इसे डर्मेटाइटिस की समस्या में भी डॉक्टर यूज करते हैं। डर्मेटाइटिस यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा पर चटक के होने के साथ खुजली और सूजन भी हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसे एलर्जी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस क्रीम का उपयोग फिश स्किन डिसीज की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। फिश स्किन डिसीज में स्किन में पपड़ी बनने लगती है और रूखापन आ जाता है। इस समस्या में भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इस क्रीम का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस क्रीम का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इस क्रीम को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस क्रीम का इस्तेमाल करने का तरीका उनसे पूछ ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट इस क्रीम को यूज करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर ले और इस क्रीम को इन्फेक्शन वाली जगह पर लगा दे। आप इसे दिन में दो बार, सुबह एक बार और शाम को एक बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इन्फेक्शन वाली जगह पर लगा सकते। साइड इफेक्ट, इस क्रीम के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। अगर आपको इस क्रीम में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपको खुजली या जलन होना, त्वचा सूखी होना, त्वचा लाल होना, सिर दर्द, एलर्जी ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। प्रिकॉशन, इस क्रीम को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस क्रीम के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस क्रीम में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस क्रीम का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य क्रीम, लोशन या ऑइंटमेंट यूज कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस क्रीम का ड्रग इंट्रैक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई अन्य समस्या या प्रॉब्लम है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये क्रीम यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।